लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था स्प्रिंग की डिफ्लेक्शन और स्ट्रेसेस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन अमेरिकन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिफ्लेक्शन एंड द स्ट्रेसेस इन द स्प्रिंग. स्टेटमेंट देखते हैं. द हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग है इज मेड ऑफ नंबर 16 म्यूजिकल वायर. द आउटसाइड कॉयल डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग इज 7 बाई 16 इंचज. द एंड्स आर स्क्वेयर एंड दैट देर आर 12 बाई 1 टोटल टर्न्स. अच्छा, अगर इस न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले अगर डेटा साथ साथ लिखें, सबसे पहले हमें जो बताया उसने क्या है कि हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग है. जिस मटेरियल से बना है वो क्या है, नंबर 16 म्यूजिकल वायर है. यहाँ पे डेटा मेंशन करते हैं. वी हैव अ हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग. मटेरियल क्या है, डेट इज द 16 म्यूजिक वायर है. आउटसाइड कॉइल डायमीटर डी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज 7 बाई 16 इंचज. एंड द एंड्स आर स्क्वेयर. स्क्वेयर का क्या मतलब है, बेसिकली एंड्स क्या है, हमारे पास क्लोज है. स्क्वेयर के कोरिस्पॉन्डिंगली क्लोज का वर्ड भी यूज हो सकते हैं. एंड देर आर 12 एंड अ हाफ टोटल टर्न्स. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 12 एंड अ हाफ. अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि स्क्वेयर और द क्लोज एंड्स हैं तो डेफिनेटली एंड कॉइल्स भी होंगी और एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स भी प्रेजेंट होंगी जो कि डिफरेंट होंगी टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स से. एस्टिमेट द टॉर्शनल यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वायर. स्टैटिक लोड कोरिस्पॉन्डिंग टू यील्ड स्ट्रेंथ. पार्ट ए में जो यील्ड स्ट्रेंथ हो रही है उसकी वजह से, वो कितने लोड की वजह से हो रही है, उस लोड को कैलकुलेट करना है. स्केल ऑफ द स्प्रिंग हमने बताना है, डेट इज द के वैल्यू. के फोर्स अवर डिफ्लेक्शन. एस्टिमेट द डिफ्लेक्शन की वैल्यू बतानी है, डेट इज द वैल्यू ऑफ वाई. एस्टिमेट द सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. वट लेंथ शुड द स्प्रिंग बी टू इंश्योर डैट वेन इट इज कॉम्प्रेस सॉलिड एंड देन रिलीज देयर विल बी नो परमानेंट चेंज इन द फ्री लेंथ. हमने वो सॉलिड लेंथ बतानी है कि जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो कम्प्लीटली कॉम्प्रेस हो जाए, कि उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो शॉर्टन हो जाए, लेकिन जैसे ही उसे रिलीज करें तो उसके अंदर नो चेंज, परमानेंट चेंज हो आया है, तो उसकी जो फ्री लेंथ होगी वो हमें बेसिकली डिस्क्राइब करनी है. गिवन द लेंथ फाउंड इन पार्ट एफ इस बकलिंग इज पॉसिबल. बकलिंग के लिए हमारे पास एक रेंज है, उस रेंज में चेक करेंगे आदर. अगर लेंथ, फ्री लेंथ उस रेंज में लाई कर रही है तो बकलिंग नहीं होगी. अगर उस रेंज से एक्सीड करेगी तो देर आर चांसेज ऑफ बकलिंग. वट इज द पिच ऑफ द बॉडी कॉइल. तो पिच बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला, हमने सिंपली उसमें वैल्यूज पुट करनी है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने टेबल नंबर 828 देखने. अब टेबल नंबर 828 के ऊपर अगर आप जाएं, यहाँ पे दिस इज द टेबल नंबर 828, तो हमारे पास यहाँ पे इसके अपर कॉलम में देखें लिखा हुआ नेम ऑफ द गेज. उसके बाद उसके कोरिस्पॉन्डिंगली हमारे पास साथ में डिफरेंट मटीरियल्स मेंशन है. हमारे पास जो मटीरियल रिक्वायर्ड है डेट इज़ द म्यूजिक वायर. तो दिस इज द म्यूजिक वायर. अब म्यूजिक वायर में गेज नंबर जो है मेरे पास डेट इज 16. इस गेज 16 के कोरिस्पॉन्डिंगली मेरे पास जो यहाँ पे देखें उसका 0.037 जो डायमीटर आ रहा है डेट इज 0.037. सो हमें फॉर्मूला पता है अल्टीमेट स्ट्रेसेस किसके कुल होती हैं. ए कॉन्स्टेंट है, डी पावर एम. डी की वैल्यू हमने टेबल नंबर 828 से फाइंड आउट कर लिए. अब हमारे पास आती है ए और एम की वैल्यू. ए और एम की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, टेबल नंबर 10/4. टेबल नंबर 10/4 के ऊपर आते हैं. दिस इज द टेबल नंबर 10/4. 10/4 में हमारे पास ऊपर सबसे पहले मटेरियल का कॉलम है. मटेरियल के कॉलम में से हमें क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, म्यूजिक वायर. अब उसके आगे कोरिस्पॉन्डिंगली हमारे पास ये डायमीटर की एक रेंज की वन है. हमारा डायमीटर कितना था हमने जो निकाला, 0.037. इट मीन्स हमारे पास वो जो है इसी रेंज में आ रहा होगा. तो आपने इस रेंज के कोरिस्पॉन्डिंगली यहाँ से ये देखिए किसकी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ए की वैल्यू सेलेक्ट करनी है. यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो के पी एस आई में, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, मेगा पास्कल में. हम क्योंकि के पी एस आई में डील कर रहे हैं तो 201 के ए की वैल्यू आ जाएगी, और एम की वैल्यू में बस कितनी आ जाएगी, डेट इज 0.145. और उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली ये कि हमारे पास क्या आ जाएगी, डायमीटर रेंज आ जाएगी. सो ये वैल्यूज हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे. ए की वैल्यू 201, एम 0.145, डी हमने निकाला है वायर डायमीटर. तो हमारे पास जो एस यू टी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाती हैं डेट आर 324
KPSI। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमारा हमने इससे पहले टॉर्शनल यील्ड स्ट्रेंथ बतानी है। हमें पता है टॉर्शनल यील्ड स्ट्रेंथ म्यूजिक वायर स्टील के लिए डेट इज़ 45% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो 45% वो हमारे पास टॉर्शनल यील्ड स्ट्रेंथ कितनी आ जाती है, 146 KPSI। अब पार्ट बी में हमने क्या बताना है, जितनी ये टॉर्शनल यील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो रही है ये कितने लोड के करस्पॉन्डिंगली हो रही है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है डेट इज पाई डी क्यूब, हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, एस एक्स वाई टॉर्शनल यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 8 KB इंटू डी। के बी जो था डेट इज द बर्गेस्ट्रेस फैक्टर, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4C + 2 डिवाइडेड बाय 4C - 3। सी जो है हमारे पास जो है बेसिकली इट इज़ अ रेशियो ऑफ द क्वाइल मीन डायमीटर वायर टू द वायर डायमीटर। तो क्वाइल मीन डायमीटर हमें सबसे पहले निकालना है। क्वाइल मीन डायमीटर निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला डी का डेट इज़ द आउटर डायमीटर डी आउटर माइनस वायर डायमीटर। तो आउटर डायमीटर हमारे पास कितना था, 7/16, और वायर डायमीटर हमने टेबल 828 से निकाला, 0.037। तो यहाँ से डी जो है मीन वायर डायमीटर या मीन क्वाइल डायमीटर डेट कम्स 0.400 इंचेस। तो सी की वैल्यू मेरे पास किसके कुल आ जाएगी, मीन क्वाइल डायमीटर 0.400 डिवाइडेड बाय वायर डायमीटर डेट इज 0.037। तो सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 10.8। इस 10.8 को यहाँ पुट करेंगे तो बर्गेस्ट्रेस फैक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 1.124। अब बाकी देखिए, हमारे पास वाई डायमीटर 0.037, एस एक्स वाई हमने निकाला 146, के पी एस आई में तो 10³ मेंशन कर दिए, के बी 1.124 और कैपिटल डी डेट इज़ द मीन वायर डायमीटर मीन क्वाइल डायमीटर 0.4। तो यहाँ से स्टैटिक लोड कितना आ जाता है, 6.46 pound force जो है हमारे पास आ जाती है। जब यह आ जाएगा तो नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, स्केल निकालना है। स्केल हमारे पास बेसिकली क्या, डेट इज़ द कॉन्स्टेंट, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी जिसे हम कहते हैं। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, डी पावर 4 कैपिटल जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 8D³/NA। NA इज द एक्टिव नंबर ऑफ क्वाइल्स। हमारे पास कौन सी क्वाइल्स गिवन थी, टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स गिवन थी। इट मीन्स हमें अब एक्टिव नंबर ऑफ क्वाइल्स के लिए हम आ जाएंगे टेबल नंबर 10/1 के ऊपर। अब इस टेबल 10/1 में देखें, हमारे पास टाइप ऑफ स्प्रिंग एंड्स हैं, प्लेन है, प्लेन एंड ग्राउंड है, स्केयर एंड क्लोज है, स्केयर एंड ग्राउंड है। मेरे पास जो स्प्रिंग टाइप एंड है वो क्या है, स्केयर और क्लोज्ड है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास उसके लिए एंड क्वाइल्स कितनी होती हैं, 2। टोटल क्वाइल्स किसके इक्वल आती हैं, नंबर ऑफ एक्टिव क्वाइल प्लस 2। मेरे पास टोटल क्वाइल है तो एक्टिव क्वाइल किसके इक्वल आ जाएंगे, टोटल माइनस 2। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स मेरे पास आ जाएंगी, एक्टिव नंबर ऑफ क्वाइल्स मेरे पास किसके इक्वल आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव प्लस 2। तो एक्टिव आ गई टोटल माइनस 2, टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स हैं 12.5 माइनस 2 डेट कम्स ऑफ द 12.5 tons। तो एक्टिव नंबर ऑफ क्वाइल्स मेरे पास कितनी आ गई, 10.5। नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट करना है। टेबल 10/5 के ऊपर आ जाए, दिस इज द टेबल। आप उस टेबल में से देखेंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 11.85 मेगा पास्कल स्क्वायर इंचेस। वैल्यूज पुट करेंगे तो के यहाँ से किसके कुल आ जाता है, 4.13। फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, तो फोर्स का यूनिट पाउंड फोर्स और डिफ्लेक्शन का इंचेस। नेक्स्ट हमने डिफ्लेक्शन बतानी थी, फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया है, स्केल भी कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ सिंपली पुट करेंगे तो डिफ्लेक्शन आ जाएगी 1.56 इंचेस। नेक्स्ट हमने बताना है सॉलिड लेंथ बतानी है। उसी टेबल 10/1 से सॉलिड लेंथ का फार्मूला हमने देख लिया है, उसी टेबल 10/1 से हमने फ्री लेंथ के लिए बताया फार्मूला। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाइल प्लस 1 इंटू मीन क्वाइल डायमीटर वायर डायमीटर, और फ्री लेंथ के लिए डिफ्लेक्शन प्लस सॉलिड लेंथ। तो ये मेरे पास आ जाएगी सॉलिड लेंथ 0.5 और फ्री लेंथ मेरे पास कितनी आ गई है, 2.0
06 इंचेस। नेक्स्ट हमने बकलिंग चेक करनी है। बकलिंग के लिए हमारे पास जो है कि फ्री लेंथ शुड बी लेस देन 2.63 आवर इंटू डी आवर अल्फ़ा। तो यहाँ पे जब हमने डी और अल्फ़ा की वैल्यू पुट की तो हमारे पास अब अल्फ़ा कहाँ से आएगा, डेट कम्स फ्रॉम टेबल 10/2। दिस इज़ द टें, ये एंड कंडीशंस हैं कॉन्स्टेंट अल्फ़ा। अब हमारे पास एंड कंडीशंस क्या हैं, स्प्रिंग सपोर्टेड बिटवीन फ्लैट एंड पैरेलल प्लेट्स, वन एंड सपोर्टेड बाय फ्लैट सरफेस परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंग एंसेस, बोथ एंड पिवोटेड, वन एंड क्लैम्प अदर एंड फ्री। अब वो कहते हैं कि स्टील के लिए हमारे पास ये वैल्यू है और स्केयर और ग्राउंड एंड के लिए हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या लेते हैं, डेट इज़ 0.5। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट की वैल्यू और यहाँ पुट करेंगे अल्फ़ा 0.5, क्योंकि हमने स्केयर और क्लोज एंड है उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 थी। तो हमारे पास जो फ्री लेंथ आ गई 2.10। अब हमारी जो फ्री लेंथ हमने कैलकुलेट किया फार्मूला से, डेट इज़ 2.06, डेट इज़ लेस देन 2.10। इट मीन्स देयर आर नो चांसेज ऑफ द बकलिंग, यहाँ पे बकलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह उसके बाद जो पिच कैलकुलेट करनी है, पिच हमारे पास टेबल 10/1 से पिच के लिए फार्मूला देखा है, एल नोट फ्री लेंथ माइनस 3 इंटू क्वाल डायमीटर डिवाइडेड बाई एक्टिव नंबर ऑफ क्वाल्स। तो पिच आ जाती है 0.186 इंचेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्प्रिंग डिज़ाइन बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन एंड द स्ट्रेस एनालिसिस।